देश की संसद में केंद्र सरकार द्वारा 2023 और 24 के लिए वित्तीय बजट पेश किया जा चुका है, जिसको लेकर तमाम दल अपनी प्रतिक्रिया पेश कर चुके हैं। इसी क्रम में आज कम्युनिस्ट पार्टी किसान मजदूर सभा ने बजट में किसान और मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के मजदूर यूनियन के लोग शामिल हुए। वही संगठन अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो पूरी तरह से किसानों और मजदूर विरोधी है और इस बजट में किसानों और मजदूरों के हितों की कोई बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में कृषि व्यवस्था में कई तरह की कटौतियां की गई हैं, खाद्यान्न सब्सिडी पर मिलने वाले बजट में कमी की गई है, रासायनिक उर्वरक पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई है। इसके अलावा इस बजट में मजदूरों के लिए शुरू की गई मनरेगा योजना के बजट में भी कई करोड़ की कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह बजट पेश किया गया है, इसमें यह प्रतीत होता है कि यह बजट सिर्फ कॉरपोरेट जगत के लिए पेश किया गया है, इससे मजदूरों और किसानों को कोई लाभ नहीं है। इस तरह से यह बजट किसान मजदूर और गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस बजट में जितनी कटौती की गई है उसको बहाल किया जाए। देखिए, अभी जो 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया केंद्र का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, उसमें जितने भी प्रोविजंस किए गए हैं वो किसानों के और मजदूरों के हितों के विपरीत हैं। मसलन किसान खेती व्यवस्था में 125 लाख करोड़ का कटौती की गई है, खाद्यान्न सब्सिडी पे 75% की कटौती की गई है, जो रासायनिक उर्वरक खाद खेतों में पड़ते हैं उनके और बीजों के की सब्सिडी खत्म की गई है, मनरेगा में 29,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है बजट की, और बाकी और मुद्दों पे इसी तरह से सारे जो कटौतियां की गई हैं आम जनता के हित में नहीं है। हमारी मांग है कि इन कटौतियों को बहाल किया जाए और इस बजट को आम जनता का बनाए रखना चाहिए, वरना फिर हम तो ये कहेंगे कि ये पूंजीवादी और कॉरपोरेट सेक्टर का बजट है, आम आदमी का नहीं है। हाँ, एक आज परसों उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों के किराए में 25 पैसा पर किलोमीटर बजट की है, वो बढ़ोतरी आम आदमी के जेब पे बड़ा भारी पड़ेगी। जहाँ रोजगार नहीं है, आम आदमी के पास पैसा नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, ऐसे में अगर 100-200 किलोमीटर भी गया तो 25-26 रुपये उसके बढ़ जाएंगे किराए में, कहाँ से देगा? उसके खिलाफ़ भी हम आज मेमोरेंडम देने वाले हैं।